भदोही से निहाल अली पत्रकार की रिपोर्ट। कांगड़ा महाविद्यालय ज्ञानपुर का छात्र संघ चुनाव, स्वतंत्र बिल अध्यक्ष आदित्य मौर्य उपाध्यक्ष, तो अमन सिंह महामंत्री निर्वाचित। ज्ञानपुर भदोही काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर के छात्र संघ चुनाव का परिणाम मतगणना के बाद गुरुवार की देर शाम घोषित कर दिया गया। स्वतंत्र कुमार बिंद अध्यक्ष, आदित्य मौर्य उपाध्यक्ष, अमन सिंह महामंत्री और सर्वेश कुमार यादव पुस्तकालय मंत्री चुने गए। प्राचार्य पीएन डोंगरे ने विजयी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र सौंपा और शपथ दिलाई। मुख्य चुनाव अधिकारी प्रोफेसर ऋचा यादव ने बताया कि अध्यक्ष पद के चुनाव में स्वतंत्र कुमार बिंद को 1167 मत मिले हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी विशेष पांडेय को 257 मतों से पराजित किया। विशेष पांडेय को कुल 910 मत मिले। अध्यक्ष पद के अन्य प्रत्याशियों में विशाल मिश्रा को 698 मत, हेमंत तिवारी को 113, संदीप यादव को 480 मत, सुशील कुमार गौतम को 44 मत, विवेक यादव को 8 मत मिले। इसी तरह से उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी आदित्य कुमार मौर्या को 1292 मत मिले। उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंद्वी रिजवान अहमद अंसारी को 623 मतों से पराजित किया। रिजवान अहमद अंसारी को 669 मत मिले हैं। उपाध्यक्ष पद के अन्य प्रत्याशियों में विपुल मिश्रा को 621 मत, सत्य प्रकाश को 310 मत, अरविंद सरोज को 292 मत और राजकुमार प्रजापति को 189 मत मिले हैं। महामंत्री पद के चुनाव में अमन सिंह को 2023 मत मिले। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी राजकुमार यादव को 777 मतों से पराजित किया। राजकुमार यादव को कुल 1246 मत प्राप्त हुए। पुस्तकालय मंत्री में सर्वेश कुमार यादव को 987 मत मिले। उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंद्वी विशाल राय को 236 मतों से पराजित किया। विशाल राय को कुल 751 मत मिले हैं। इसी तरह पुस्तकालय मंत्री के अन्य प्रत्याशी शुभम उपाध्याय को 656 मत, धीरज कुमार दुबे को 510 मत और वैभव दुबे को 446 प्राप्त हुए हैं। विज्ञान संकाय प्रतिनिधि में पंकज कुमार विजयी हुए हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कृष्णा कन्नौजिया को 16 मतों से पराजित किया। कृष्णा कन्नौजिया को 392 मत मिले हैं और हिमांशु कुमार दुबे को 243 मतों से संतोष करना पड़ा। इसी प्रकार वाणिज्य संकाय प्रतिनिधि पद पर अमृतांशु पांडे ने 285 मत प्राप्त कर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी विकास सिंह 236 मत प्राप्त कर 49 मतों से पराजित किया है। प्राचार्य डॉक्टर पीएन डोंगरे ने विजयी पदाधिकारियों को जीत का प्रमाण पत्र वितरित किया। उन्होंने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। पुलिस ने सुरक्षा के बीच पहुँचाया घर। छात्र संघ के चुनाव में विजयी पदाधिकारियों को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच सभी को उनके घरों तक पहुँचाया। सीओ अशोक कुमार सिंह ने सभी विजेता पदाधिकारियों को अलग अलग वाहनों में बैठाकर पुलिस सुरक्षा के बीच घर भेजा। उसके बाद पुलिस कर्मियों ने राहत की सांस ली। प्राचार्य ने जताया आभार। छात्र संघ चुनाव शांति पूर्वक संपन्न होने पर प्राचार्य डॉक्टर पीएन डोंगरे ने कॉलेज स्टाफ प्रशासन व पुलिस प्रशासन के लोगों को आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रशासन के सहयोग से चुनाव शांति पूर्वक संपन्न हुआ है। इसमें सभी शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मियों का बहुत ही सराहनीय योगदान है। उन्होंने विजयी पदाधिकारियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। आज आपकी जीत हासिल हुई, अध्यक्ष बने, आप इसका किसको श्रेय दे रहे हैं? ये हमारा लवकुश यादव भाई, वो हमारे साथ जो मिल के आज हमें अध्यक्ष बनाए, उनके बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप किस पार्टी से लड़े थे? समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी से Yeah.
मनोज कुमार है। 392 मत। पंकज कुमार 408 मत प्राप्त करके निर्वाचित विकास सिंह 236 मत। अमृतांशु पांडे 285 मत प्राप्त करके निर्वाचित हुए हैं। धीरज